So again, welcome friends. Problem number 3, a cell membrane of resting nerve in a human body has a thickness of 75 angstrom unit. If the potential difference between the two sides of membrane is 0.06 volt, then the intensity of electric field is. Membrane दिया है और उसका thickness दिया 75 angstrom unit. Membrane दिया है, उसका thickness दिया है 75 angstrom unit. ओके, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन इज वी दिया है, ये क्या थिकनेस दिया है डी. ओके, वी कितना दिया है 0.06 वोल्ट, ये अपना वी दिया है. ओके, और पूछा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, यू आर नोइंग ना ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, दिस फॉर्मूला यू आर नोइंग ना. सो उसको एकदम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट मतलब अपने फॉर्म अपने यूज के लिए उसको करते हैं. ई को फॉर्मेट में लिख सकते हैं वी बाय आर का इधर डी लिखते हैं, डी वी बाय डी आर है उसकी जगह वी बाय डी लिखते हैं. तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली मिल जाएगा अभी अपने को ई वी बी, वी कितना दिया 0.06 अपॉन डी कितना दिया 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट. अभी एंगस्ट्रॉम यूनिट का कैसे कन्वर्ट करना है, 75 × 10⁻¹⁰ मीटर, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए. सो इंटू 10⁻¹⁰, तो ये कितना हुआ, ये 0.06 अपॉन 75, इसको ऊपर लेता हूँ 10⁻⁰ एंड देन आई विल एडजस्ट दैट 0.06 इज देयर ना, सो आई विल मेक इट 600 और 60 आई मेक इट और 600 आई मेक 1 2 3 4 4 0 4 प्लेसेस आई एम गोइंग अहेड एंड आई एम मेकिंग 60 1 2 3 4 600 इंटू ये 10⁻², ये 4 है मतलब इधर -4 मतलब 6, 10⁻⁴ 6 इट विल बिकम 75, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी 1 2 3 4 ना, करेक्ट इट इज, हाँ सो 4 0 upon 5 × 10⁻⁶. So 5 8s are okay. So option will come first will be the option, this will be the option, this. Okay, we shall go for next. Now next is problem 4. A charged oil drop is suspended in uniform electric field 3 × 10⁴ volt per meter so that it neither falls nor rises. The charge on the oil drop will be, we have to take mass as 9.9 × 10⁻¹⁵ kg and g is also given. Okay, एक oil drop है उसको electric field में रख दिया है, ऐसे रख दिया है कि वो ऊपर भी नहीं जाएगा, it will neither come down. So उसको नीचे आने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा, ऑफकोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी, ऊपर जाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाकी का फोर्स क्यों क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू. अगर ये ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दे मस्ट बी इक्वेटिंग ईच अदर, सो क्यू ई विल बी इक्वल टू डायरेक्टली एम जी. आई थिंक आई हैव सॉल्व लाइक दिस प्रॉब्लम, आई एम रिकॉलिंग, सो ट्राई टू सॉल्व दैट. एम कितना दिया है 9.9 × 10⁻¹⁵ अपॉन इंटू 10 अपॉन क्यू कितना दिया है, क्यू दिया, हाँ क्यू निकलना है ना, सॉरी क्यू अपॉन ई, ई कितना दिया है, ई दिया है 3 × 10⁴. ओके, तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, ये सो दैट विल बी सिक्स. ओके, नीचे के क्यू विल बी इक्वल टू 3 × 3 = 9 3.3, ये 4 4 मतलब −15 − 4 − 19 − 18 3.3 × 10⁻¹⁸ कुल, यस ए ऑप्शन विल कम. आई विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स. ओके,
concentric spheres are there, have radii R and R, similar charges they are having and equal surface charge density, the electric potential at their common center. Okay, so first you must know surface charge density sigma will be charge per given surface area. Sphere के लिए area कितना लेने का 4 pi r square, दूसरे के लिए 4 pi capital R square. ये दो आप area ले सकते हो. Okay. Now concentric sphere are there. So they will be like this. One will be having R, another will be having capital R. Okay. Similar charge and equal charge density. So this also I think I have solved. Now repetition is going on. They both are having same sigma. Okay. Now the electric potential at the common center. Okay. Electric potential at their common center. This is the center, and we have to calculate the electric potential at the center. Okay. So there is no problem. Sigma upon epsilon naught. So wait for a while. Here we can directly do. Okay, let's start with that. Okay. Actually, I checked that whether it is correct or it's correct. Answer is correct. No problem. I was worried whether it is options or sometimes they are giving the wrong options. For CET especially, many a times options are given wrong in these books. And unnecessarily we find that our answer is wrong. Many times it is there, many mistakes are there. Always for errorless also. It is errorless but it is having many errors. Okay, so we क्या करते हैं? इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं. Okay, हर एक का potential निकालते हैं. पहले का potential कितना आएगा? Q upon 4 pi epsilon naught R. दूसरे का कितना आएगा? Same charge है ना उनके ऊपर. तो उतना ही आएगा. Q upon 4 pi epsilon naught नीचे आर बनेगा. अभी आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है तो हर एक के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल के लेते हैं. फॉर वन, फॉर वन क्या आएगा दिख रहा है आपको? ओके, थोड़ा सा लोगों का प्रॉब्लम है लेकिन आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट. फॉर वन सिग्मा विल बी क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो इसका क्यू कितना बन जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा पहले वाले के लिए. दूसरे वाले के लिए वही सिग्मा बन जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. तो यहाँ पे क्यू कितना बन जाएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा. तो अब ये पोटेंशियल निकाल के लेते हैं तो कितना आएगा पोटेंशियल अपना? वी वन आएगा 1 by 4 pi epsilon naught q upon r. q के जगह लिखेंगे 4 pi r square sigma upon 4 pi epsilon naught r. we cancel करेंगे 4 pi cancel r square r. so it is sigma r upon epsilon naught. तो दूसरे का देखने का जरूरत नहीं, directly लिख सकते हैं. v2 will be sigma small r upon epsilon naught. okay, now resultant potential. This will be V1 plus V2. V1 कितना है? Sigma R upon epsilon naught plus sigma small r upon epsilon naught. यह आ जाएगा sigma into R plus R upon epsilon naught. That is the thing. This also I think I have solved. Now the problems may get repeated. I don't have any solution for that.
because many problems already we have seen. Okay, then next lecture we'll solve some more problems. Thank you.